जोरदार तालियां ज्योति नूरा के लिए। कमाल 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 कर दी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ओए फिरंगी द म्यूजिकल। पर आज की जो शाम है ये सुर राग और ताल का ऐसा समा बांधने वाली है और इसकी पहली झलक आप देख ही चुके हैं और साथ ही जबरदस्त तालियां उन तमाम सिंगर्स के लिए जिन्होंने फिरंगी में अपनी खूबसूरत बेहतरीन आवाज का जादू बिखेरा है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली दलेर पाजी, ममता शर्मा जी, जोरदार तालियां नेहा भसीन के लिए और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जितेंद्र शाह जी, जोरदार तालियां। गुरु, गीतों की महफिल है जवां जवां रात। वाह 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 वाह, आज यहां पूरी कायनात है। वाह 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 वाह, झूम के नाचेंगे मस्ती में बेधड़क। अब मामूली बात नहीं, आज यहां शहरों की बारात है। आज आप ना 5 मिनट से ज्यादा कुर्सी पर नहीं बैठ पाओगे क्योंकि हर 4 मिनट बाद गाना आएगा, आपको उठ उठ के डांस करना पड़ेगा। परी ज्योति जो है बहुत ही छोटी उम्र से गा रही हैं और कमाल का गा रही हैं और ज्यादातर इन्होंने सूफी गाया है, कवाली गाई है और ये ऊंचे सुर बहुत लगाती हैं। तो ज्योति, आपकी हाल ही में शादी भी हुई है। हाँ जी। तो हस्बैंड से सुर नीचा ही होता है कि ऊंचा ही सुर लगता है उनके साथ? नहीं, कभी कभी हो जाते हैं। तो वो आए आज साथ में? हाँ जी, वो देखो सामने बैठे। अरे कैसे हैं आप? वैसे ज्योति, आपका कभी दिल नहीं किया कि मैं आपके इतने प्यारे हस्बैंड हैं कभी इनके लिए कोई रोमांटिक गाना गाऊं? बताओ ना। पाजी आप प्लीज अब मंच पे आ जाओ, 2 सेकंड आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यार। का ही प्रोग्राम है, कहीं पे नहीं आ रही है, हम ही एंजॉय कर रहे हैं। कैसे हैं आप? अच्छा, दर्शकों का सवाल था एक्चुअली, क्योंकि ज्योति जो है हमेशा अपनी सिस्टर के साथ सुल्ताना के साथ ही गाती हैं, तो इनको ज्योति सुल्ताना कम कहा जाता है, इनको नूरा सिस्टर्स जो है लोग हमेशा बुलाते हैं। अच्छा, जब कभी लोग आपसे पूछते हैं कि आपकी शादी कहाँ हुई है, किसके साथ, कभी आपके मुंह से तो नहीं निकलता कि नूरा सिस्टर्स के साथ? कि सर सबको मालूम है कि वो बोलते हैं कि ये उसका हस्बैंड है जो स्लिम वाले। अच्छा, कभी कभी होता है दो बहनें जब होती हैं तो वो मायके जब जाती हैं तो एक दूसरे की चुगलियां कर लेती हैं कि ये हुआ ये हुआ, ऐसे कभी होता है कि आप और सुल्ताना के हस्बैंड एक दूसरे की आपस में इनकी चुगलियां करते हैं, कभी ऐसे होता है? नहीं सर, टाइम ही नहीं मिलता, शेड्यूल इतना बिजी है। अच्छा, आप भी गाते हो? कुछ तो होगा टैलेंट, ऐसी बात तो नहीं है? नहीं सर, इनको मैनेज करना है बहुत मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, बहुत बिजी हैं और ऊपर से बीवी हैं तो मैनेज करना। बेटे मैं सब समझता हूँ। एक बार ज्योति और इनके हस्बैंड के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ज्योति, एक बात और पूछनी मुझे आपसे, ये जो आपकी इतनी बुलंद आवाज है, खाना पीना भी कुछ स्पेशल होता है, क्या खाती हैं आप? लगता तो नहीं आप कुछ खाती होंगी। हाँ, मैं कुछ भी खाती नहीं हूँ, सिर्फ एक टाइम की मेरी रोटी है, बस वो खाती हूँ। मैं एक टाइम की रोटी खा के ऐसा गा रही है, 3 टाइम खाना शुरू कर दें आप तो छते फाड़ दें हमारे। और बहुत बहुत कमाल है। और गुरु, जब पिछली बार मिली थी उससे भी ज्यादा श्रिंक हुई पड़ी है पहले से। वो गाती है यूं कि बुझे दीपक जला देती है, अपने दमदार सुरों से पानी में आग लगा देती है। इसकी आवाज में ऐसा जादू, ऐसा करिश्मा यारो, वो जुगनू को छूकर चमकता सितारा बना देता। वाह क्या बात है, कटा। थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू सो मच। आइए प्लीज। पर लोग कहते हैं संगीत जो है भगवान की देन है, मुझे ऐसा लगता है बाप दादाओं की देन है। आप कभी गौर से देखना, जो आदमी जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है या जिस धंधे में है उनके बेटे को बड़ा इंटरेस्ट होता है। सपोज अगर कोई तबला बजा रहा है तो बेटे का इंटरेस्ट भी तबले में होता है, क्योंकि तबला घर पे मिल भी जाता है, पापा का कुर्ता भी मिल जाता है। हालांकि दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बेटा कंफ्यूज होगा, वो है सिद्धू पाजी का, कि पापा का कौन सा बिजनेस अडॉप्ट करूं मैं, कितने सारे तो करते। पर पाजी एक बात है, संगीत में जान होती है, लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। ये हमारा दिनेश है ना, एक बार ये गा रहा था, 8-10 लोग खींचे चले आए। अच्छा मैं सोचूं, मैं कहा इतना अच्छा भी नहीं गाता है, कैसे लोग खींचे चले आ रहे हैं? मैंने ध्यान से देखा, वो नहीं खींचे चले आ रहे थे, इसको खींच रहे थे। और ये दरी पकड़ के दरी को खींच रहा था। ये 25 प्रोग्राम किए इसने, 24 दरियां खींच चुका ये। अभी तो
इसके घर वाले ने इसकी पीठ पे बने निशान देख के बता देते कि अच्छा आज फिर ये शो करके आया। अच्छा जो लोग अच्छे शागिर्द होते हैं ना वो अपने गुरु का नाम लेते वक्त ना कानों पे हाथ रखते हैं, जी मैं हरिप्रसाद जी से सीख रहा हूँ। और जिनके शागिर्द बुरे होते ना उनके गुरु कान पे हाथ रखते हैं कि तू रहन दे तेरी वजह से मेरा भी काम करा। अच्छा शादियों में जब आप कभी आपने देखा होगा बहुत सारी नॉर्थ में ऐसी बड़ी शादियां होती जहाँ पे ना ऑर्केस्ट्रा वाले थोड़ा थोड़ा माहौल जब गर्म हो जाता ना जब पता है सारी बारात ने भी पी ली है तो बीच बीच में अपना भी काम सेट करते रहते हैं क्योंकि दो ड्रिंक लेने के बाद ना जोश में आ जाते हो। अच्छा बीच में अगर कोई छूट गया ना ड्रम वाला जैसे मान लो समो पांडे जैसा छूट गया बीच में तो ये गुस्से में भी ड्रम पीटता रहता है फिर आउट बीट मारना शुरू कर देगा फिर ढोलक वाला कहता दे दो उसको एक डुग डुगी फाड़ देगा वो। जो अनाउंसर होते हैं ना अनाउंसर बाजी वो इशारे इशारे में समझा देते अलग से बंदा लेके जाते हैं जिसका काम सिर्फ यही है टिश्यू पेपर में लपेट करें ऐसे उस्ताद जी। तो वो दूर से बच्चे को समझाते कैसे बंदा उनका वहां पे जहां पे स्टॉल लगा विस्की का। तो बड़ी ही खुशी का मौका है नए दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। खुशी किसी भी तरह कम ना हो खुशी ज्यादा हो खुशी बढ़ती रहे जी भर के एंजॉय करें इस शाम का लुत्फ उठाएं और इस शाम के मौके पर मैं यही कहूंगा जी हाँ अर्ज किया है तार वाला माइक उतना यार का मतलब कभी सुखा ना सकेंगे चाह के भी आपको बुला ना सकेंगे आप ही हो मेरे लबों की हंसी आपसे बिछड़ के कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। दो पैग जब चढ़ जाते हैं इनके शेर बदल जाते हैं फिर हाँ खुदी को कर बुलंद इतना खुदी को कर बुलंद इतना कि तेरा आशिक तुझसे खुद पूछे तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है। बड़े ऐसे बरातें होती हैं अक्सर लेट। अच्छा हर इंस्ट्रूमेंट का अपना मजा होता है जैसे शहनाई है ये शादियों में इस्तेमाल ज्यादा होती है या फिर मातम में हालांकि सेम ही चीज है। इसलिए तो जो आदमी शादी से पहले नगाड़े जैसा होता ना शादी के बाद पीपनी जैसा हो जाता है। मुझे एक बार बता है तेरी शादी हुई नहीं तुझे कैसे पता भाई भाइयों को देखते हैं बस। अच्छा बीन कमाल का इंस्ट्रूमेंट है मैंने देखा है बीन वाला जब बीन बजाता ना जब तक हाँ। जब तक सांप सामने नजर नहीं ना आता हाँ। तब तक बीन अच्छी लगती है जब सांप सामने आ जाए ना ठुल्लू करता हुआ ऐसे उसके बाद बीन और नाक के छेद दोनों सेम खुलते हैं फिर आदमी को लगता है कि ओहो पंगा ले लिया। पर एक्चुअली आप देखो जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना वैसा आदमी का स्टाइल भी हो जाता है जैसे आप गिटार भी जो प्ले करते हैं वो देख लो आप हेडफोन लगे हुए लेदर जैकेट कम ऑन एक्सप्रेशन भी इनके वैसे होता है ये अब जैसा आदमी इंस्ट्रूमेंट बजाता ना उनके शूज भी वैसे होते हैं किसी मंजीरे वाले को पूछ लो बेटा पापा कहाँ गए पापा भजन कीर्तन करने गए। गिटार वाले के बेटे को पूछ लो पापा कॉन्सर्ट्स में गए हैं बीन वाले को पूछ लो कहाँ गए पापा सांप पकड़ने गए। अच्छा आदमी जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसका मुंह के एक्सप्रेशन वैसे हो जाते हैं कभी फ्लूट वाले हमारे भाई सर गुस्ताखी माफ एक्चुअली वो एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं बीवी को गलत फहमी लेती है शायद किसी करने आ रहे हैं कि पता नहीं हवा निकाल रहे हैं वैसे ही। अच्छा हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं कि संगीत में ऐसी ताकत है कि राजा महाराजाओं के ऐसे किस्से सुनते हैं कि कुछ ऐसे भी कलाकार रहे हैं जो गाते थे तो दीपक जल जाते थे। हालांकि इससे भी बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं दिनेश के चाचा जी दीपक जलना दूर पूरे पंडाल में आग लग जाती थी सीरियसली क्योंकि इतना गंदा गाते थे ना गांव वाले पैर पे बीड़ियां बुझा के जाते थे। यहां पे किस किस को लगता है कि उसमें सिंगिंग का टैलेंट है माइक दीजिए भाई सबको। सर धर्मेंद्र नाम है मेरा। सर मैं आपके शो के माध्यम से अपनी मिसेस की एक बहुत भारी भरकम शिकायत दूर करना चाहता हूँ सर। ओ कुछ भी कर लो ये नहीं होती दूर सर आपके शो में हो जाती है। बीवियों की शिकायतें कभी दूर हुई हैं जी प्लीज। नमस्कार जी कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ आप। मैं भी ठीक हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मेरे दोस्त लोग के सामने गाना गाते हैं आज तक मेरे सामने गाना नहीं गाए। आपकी सहेलियां जब आती है तो उनके सामने गाना गाते हैं। हाँ, गाना गा के उन लोग को ये करते हैं।
वाह प्ले बॉय, कम ऑन। ऐसे क्यों, आप उनकी सहेलियों के लिए क्यों गाते हैं, उनके लिए क्यों नहीं गाते हैं आप? सर ऐसा मौका बार बार तो आता नहीं है। कौन सा मौका? सिंगिंग का। नहीं नहीं सिंगिंग तो अपनी बीवी के लिए भी तो गाई सर। आवाज बंद हो जाती है सर। ऐसे क्यों, आप आज अपनी वाइफ के लिए गा दो यार, फिर क्या हुआ? सर आपकी फरमाइश पे गा रहा हूँ सर मैं। बीवी आपकी है, ना गाओ, मेरा क्या है, मेरी फरमाइश पे क्या है? पर आप प्लीज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।